पिछले कई वर्षों के रिजल्ट को उन्होंने कंपेयर किया। इस मामले में भी इस बार यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण की डिमांड है कि जो पेंडिंग रिजल्ट की संख्या है वह हर वर्ष में 3000 या उससे ज्यादा होती थी। इस बार चूंकि उच्च गुणवत्ता के साथ उच्च तकनीक का हाई तकनीक का मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करते हुए मेहनत का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए जो पेंडिंग रिजल्ट खराब की जाएगा उससे अधिक हुआ करती थी। इस बार पेंडिंग रिजल्ट संख्या मात्र 174 है और यह भी बिहार बोर्ड में अब तक का इतिहास है, विद्यमान है। आज तक पेंडिंग रिजल्ट यदि प्रतिशत में देखा जाए तो 13 लाख विद्यार्थियों की तुलना में यह बहुत ही कम है, 0.01% से कुछ अधिक है, अर्थात 0.015% के लगभग पेंडिंग रिजल्ट है, जो कि अब तक इतिहास बिहार बोर्ड में सबसे बेस्ट है। और इसका कारण यह है कि जितने हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी और नई पद्धति का इस्तेमाल किया, इसके वजह से अटेंडेंस भी कमी आई। और जो भी विद्यार्थी यदि परीक्षा फल से संतुष्ट हैं, यदि वे स्मृति कराना चाहते हैं, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए 3 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच उनको यह मौका दिया जा रहा है कि वे स्मृति के लिए आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन रूप से और उनकी कॉपियों की स्मृति करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 3 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच विद्यार्थी स्मृति के लिए आवेदन कर सकते हैं और स्मृति के पश्चात समिति द्वारा उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, इस वर्ष चूंकि परीक्षा फल की घोषणा रिकॉर्ड समय में की गई है, अतः उसी को ध्यान रखते हुए इस बार कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए भी समिति ने निर्देश जारी किया है। उसके अनुसार 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच कंपार्टमेंटल सविशेष परीक्षा के लिए फॉर्म भरा जाएगा और जो भी विद्यार्थी कंपार्टमेंटल परीक्षा सविशेष परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं वे विद्यार्थी 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच फॉर्म भर सकते हैं। और समिति द्वारा कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन अप्रैल माह के अंत रखने का लक्ष्य रखा गया है और उस परीक्षा फल के परिणाम की घोषणा मई माह के अंत तक करने का लक्ष्य रखा गया, अर्थात समिति द्वारा यह भी लक्ष्य रखा गया है कि कंपार्टमेंटल परीक्षा का परीक्षा फल मई माह के अंत तक घोषित कर दिया जाए ताकि जो सेशन यूनिवर्सिटीज में या अदर इंस्टीट्यूशन में जुलाई में जो सेशन शुरू होते हैं उसमें किसी भी रूप से कंपार्टमेंटल के बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। और यह भी जो समय है यह भी अपना रिकॉर्ड है, आज तक किसी भी बोर्ड का मई माह में कंपार्टमेंटल का रिजल्ट दे देगा। और विशेष रूप से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय को भी धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उन्हें हर स्तर पर समिति के कार्यों में अपना भरपूर मार्गदर्शन देते हुए इतना सहयोग दिया और यदि सहयोग का मार्गदर्शन के फलस्वरूप आज समिति इस मुकाम और लक्ष्य को हासिल कर लिया। और आप सभी लोग जो मीडिया के बंधु साथ साथ सभी विद्यार्थी अभिभावक शिक्षक और इस पूरे परीक्षा व्यवस्था में लगे हुए वैसे सभी कर्मी जिन्होंने इसमें अपना भरपूर सहयोग और योगदान दिया, वैसे सभी कर्मियों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिसके फलस्वरूप विद्यालय समिति ने इस मुकाम को हासिल किया। मैट्रिक जिस प्रकार से इंटर रिजल्ट में बिहार बोर्ड ने इस बार रिकॉर्ड बनाया है, इतिहास स्थापित किया है, उसी प्रकार यह लक्ष्य रखा गया है कि मैट्रिक का रिजल्ट बहुत जल्द घोषित किया जाएगा और आगामी 1 सप्ताह के अंदर मैट्रिक के रिजल्ट की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी और निर्धारित तिथि को मैट्रिक रिजल्ट दाखिल किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 की परीक्षा पर घोषणा आज की गई। इस परीक्षा प्रणाली घोषणा शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव महोदय द्वारा की गई। इस वर्ष वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 उन विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा में भाग लेने हेतु फॉर्म भरा था उनकी संख्या थी 13,15,382 और इसमें से परीक्षा में कई विद्यार्थियों ने भाग लिया और अंतिम रूप से जो पासिंग परसेंटेज इस वर्ष ऊपर का सामने आया है वह है 79.76%, अर्थात इसमें कला संकाय में कुल 4,25,550 विद्यार्थियों ने प्रतिभा हासिल की है और कला संकाय में पासिंग परसेंटेज 76.52% है। वाणिज्य संकाय में कुल 59,135 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और वाणिज्य संकाय में उत्तीर्णता का प्रतिशत 93.02% है। विज्ञान संकाय में कुल 5,35,110 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, 5,35,110 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस संकाय में उत्तीर्णता का प्रतिशत
81.20% और इन सभी तीनों सरकारों को मिलाकर इस वर्ष वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 10,19,795 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और यह कुल संख्या का 79.76%। इस वर्ष परीक्षा परिणाम घोषित करने के साथ साथ कई मायनों में इस वर्ष बिहार बोर्ड ने इतिहास रचा है। पहली बार इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षा फल मार्च महीने में घोषित किया गया। अमूमन स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी मार्च महीने में होती है, यहां तक राष्ट्रीय स्तर की बोर्ड की परीक्षाएं इंटरमीडिएट की अभी चली रही है जो आगामी अप्रैल माह में सामने। ऐसी परिस्थिति में पहली बार मार्च में इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षा फल घोषित करना अपने आप में एक प्रतिमान है और बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि। इसके साथ ही कई प्रकार के आधुनिक तकनीक का प्रयोग इस बार बिहार बोर्ड ने किया, जिसके फलस्वरूप न सिर्फ एग्जामिनेशन क्वालिटी परीक्षा पद्धति प्रणाली में बेहतरी हुई बल्कि उच्च गुणवत्ता की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इन आधुनिक तकनीकों के फलस्वरूप बिहार बोर्ड ने इस बार रिकॉर्ड समय में इतने कम समय में परीक्षा फल की घोषणा की। इस वर्ष इंटर की परीक्षाएं उसी तिथि को हुई थी जो गत वर्ष 2018 में हुई थी, अर्थात 2018 की भांति इस साल भी इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होकर 16 फरवरी तक चली थी और मैट्रिक की परीक्षा 21 फरवरी से प्रारंभ होकर 28 फरवरी तक संपादित हुई थी और 28 फरवरी को बोर्ड की परीक्षाओं के खत्म होने के बाद एक दिन के बाद 2 मार्च को मूल्यांकन राज्य के 136 मूल्यांकन केंद्रों में शुरू किया गया और 2 मार्च को मूल्यांकन प्रारंभ करने के बाद 28 दिनों के अंदर आज 30 मार्च को परीक्षा फल परिणाम की घोषणा की गई है और यह 28 दिनों के अंदर इसका सीधा सीधा लाभ परीक्षा फल प्रकार पूर्व के वर्षों में जो कॉपी प्रोवाइड की जाती थी और मार्कशीट प्रोवाइड की जाते थे उसमें विद्यार्थियों को अपने स्तर से लगभग 27-28 गोले अलग अलग भरने होते थे, रोल नंबर के अलग अलग गोले, रजिस्ट्रेशन नंबर के अलग अलग गोले, सब्जेक्ट कोड के अलग अलग गोले, उसके अलावा जो और भी प्रकार की सूचनाएं उनको अंकित करनी होती थी, उन सबको मिलाकर उनके कई गोले भरने होते थे और यदि किसी विद्यार्थी ने एक भी गोला भरने में त्रुटि किया या हल्का भरा या ठीक से नहीं भरा तो वैसी परिस्थिति में उस विद्यार्थी का रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता और बाद में उसको वैकल्पिक माध्यम से फिजिकल कॉपी बनाकर हार्ड कॉपी देखकर या अन्य दस्तावेजों के माध्यम से उसको रिजॉल्व किया जाता था और इसमें काफी समय लगता था। इस बार बिहार बोर्ड ने पहली बार विको बोर्ड और बार बोर्ड के साथ में सभी विद्यार्थियों के नाम से प्री प्रिंटेड कॉपी बनाकर सभी परीक्षा केंद्रों पर लगभग 80 लाख से अधिक कॉपियां छपवाई गई इस नई तकनीक के साथ और 80 लाख से भी अधिक मार्कशीट छपवाया गया और हर एक विद्यार्थी के हर एक विषय का अलग अलग कॉपी उसके नाम से छपावर किया गया। इससे परीक्षा फल के प्रोसेसिंग में बहुत सुविधा हुई और त्रुटियों की संभावना को कम से कम किया गया। सिर्फ विद्यार्थी को एक सेट कोड भरना था। देश में पहली बार किसी बोर्ड ने इंटर की परीक्षा में 10 सेट क्वेश्चन पेपर की व्यवस्था की बिहार बोर्ड ने इस बार अनुरोध किया और इसके फलस्वरूप परीक्षा में कदाचार और दखल की संभावनाओं को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की गई और जो परीक्षा इस बार वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 की आयोजित की गई पूरी पढ़ाई के साथ सख्ती के साथ कदाचार रहित रूप से आयोजित की गई। उसके साथ ही मूल्यांकन में और प्रश्न पत्रों के पैटर्न में इस प्रकार से बदलाव किया गया जिसके फलस्वरूप इस बार परीक्षा में पासिंग परसेंटेज काफी बेहतर था। वर्ष 2017 में पूरी पढ़ाई के साथ बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित की गई थी तो उस वर्ष पासिंग परसेंटेज लगभग 35% रहा था। उसके बाद क्वेश्चंस के पैटर्न में बदलाव किया गया, सभी विषयों में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किया गया और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ऑप्शन दिया गया और अन्य सुधार करने के फलस्वरूप इन सबों का परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2018 में उत्तीर्णता का प्रतिशत लगभग 17% रहा और वह बढ़कर 52% के आसपास पासिंग परसेंटेज हुआ इंटर की परीक्षा में। इस वर्ष और भी कई सुधार किए गए प्रश्न पत्रों के पैटर्न में, मूल्यांकन की पद्धति में और उसके अलावा पूरे एग्जामिनेशन प्रणाली में, जिसमें कि इस बार शॉर्ट क्वेश्चंस के ऑप्शंस को बढ़ाया गया, 75% किया गया, लॉन्ग क्वेश्चंस में इंटरनल विकल्प आंतरिक विकल्प को समाप्त करते हुए बाह्य विकल्प दूसरे के 100% अधिक विकल्प दिए गए। सभी टीचर्स के पटना में वर्कशॉप और कार्यशाला आयोजित करके स्टेप वाइज मार्किंग करने का निर्देश दिया गया। प्रश्न पत्रों के स्तर को भी पहले से बेहतर आसान बनाया गया और इसके साथ ही मूल्यांकन की पद्धति इस प्रकार विकसित की गई
ताकि विद्यार्थी को अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। पूर्व के वर्षों में जब परीक्षाओं की परीक्षा में कॉपियों की बारबोर्डिंग नहीं होती थी उस समय यह व्यवस्था थी कि जो भी 90% से अधिक किसी अंक आ देते हैं तो वैसे कॉपियों को बिहार बोर्ड बनाया जाता है। अब चूंकि पिछले 2 साल से हम लोगों ने सारी कॉपियों की बारबोर्डिंग कर दी और किसी भी कॉपी पर किसी भी विद्यार्थी की कोई पहचान अंक नहीं होती है, इसलिए इस वर्ष से 90% से अधिक की कॉपियों को बिहार बोर्ड बनाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और इस प्रकार से और भी कई सारी मूल्यांकन पद्धति में सुधार बदलाव किए गए। इसके फलस्वरूप उत्तीर्णता के प्रतिशत निश्चित रूप से वृद्धि हुई और यहाँ के विद्यार्थियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिला। इतना ही नहीं, इस बार पहली बार सभी मूल्यांकन केंद्रों पर जिन 136 मूल्यांकन केंद्रों पर इंटर की कॉपी का मूल्यांकन किया गया सभी मूल्यांकन केंद्रों पर कंप्यूटर की व्यवस्था की गई और कंप्यूटर के माध्यम से सॉफ्टवेयर के माध्यम से कॉपियों के मार्च की गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस दिन परीक्षा के कॉपी की जाँच किसी कॉपी की जाँच होती थी उसी दिन शाम को बिहार बोर्ड में सर्वर पर उसका मार्क्स हमारे पास आया था। परीक्षा फल की पोस्टिंग बहुत फास्ट रूप से की गई। पहले के वर्षों में परीक्षा की कॉपी जब चेक होती थी उसके बाद उसके मार्क्स को अवार्ड स्पीकर चढ़ाया जाता था, मार्क्स फल भी चढ़ाया जाता था, फिर वो सारी चीजें बिहार बोर्ड आती थी 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद, फिर उसकी यहाँ पर स्कैनिंग और एंट्री इत्यादि उसकी पुष्टि की जाती थी। इस प्रक्रिया में समय लगता था। इस बार हमने पहली बार सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, सभी 136 मूल्यांकन केंद्रों पर कंप्यूटर के से व्यवस्था की गई और कंप्यूटर के माध्यम से सीधे कॉपियों के मार्क्स की कराई गई और उसी दिन कॉपियों का मार्क्स हमको प्राप्त होना शुरू हुआ। इतना ही नहीं, जो बारबोर्डिंग सेंटर हमने बनाए थे पूरे राज्य में 38 जिलों में सभी जिलों में एडीएम के अध्यक्षता में चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर को घोषित किया गया। सभी जिलों के बारबोर्डिंग केंद्रों पर पहली बार कंप्यूटर की व्यवस्था की गई। उनके नाम इस प्रकार है, विज्ञान संकाय में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर 2 विद्यार्थी रहे हैं। इसमें पहला नाम है सुश्री रोहिणी प्रकाश, पिता का नाम श्री महेश प्रसाद और ये 10वीं हाईस्कूल सर्वाधिक नालंदा के विद्यार्थी हैं और इन्हें 473 अंक मिले हैं अर्थात 94.6% मार्क्स टॉपर में मिले हैं इस बार। और प्रथम स्थान पर दूसरे विद्यार्थी रहे हैं श्री पवन कुमार, जिनके पिता का नाम श्री सुनील कुमार सिंह है और इन्हें भी 473 अंक के साथ पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल तिंजर अरवल के ये विद्यार्थी हैं और इनके पिता का नाम श्री सुनील कुमार सिंह है और इन्हें भी सुश्री रोहिणी प्रकाश के साथ पूरे राज्य में विज्ञान संकाय में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला। इसके बाद विज्ञान संकाय में सेकंड स्थान पर 2 विद्यार्थी हैं श्री सत्यजीत सुमन, 10वीं निर्मली हाई स्कूल समस्तीपुर के, एवं श्री सुधाकर कुमार जो प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल वेस्ट चंपारण बेतिया के स्टूडेंट हैं और इसके साथ ही थर्ड स्थान पर रहे हैं, सेकेंड वाले के मार्क्स हैं 472 अर्थात 94.4%। और जो तीसरे स्थान पर विज्ञान संकाय में रहे हैं वे हैं मोहम्मद अहमद, जिनके पिता का नाम इकबाल अहमद है और ये 2 दुर्गा प्रसाद हाई स्कूल कटिहार के विद्यार्थी हैं और इन्हें 471 अंक प्राप्त हुए। इसी प्रकार 471 अंक प्राप्त हुए जो 94.2% इन्हें प्राप्त हुए। इस प्रकार विज्ञान संकाय के तीनों टॉपर्स को 94% से अधिक अंक प्राप्त हुए। इसके बाद वाणिज्य संकाय में, इसके बाद आज संकाय कला संकाय में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रही हैं सुश्री रोहिणी रानी, जिनके पिता का नाम श्री प्रदीप कुमार सिंह है आज संकाय में और इन्हें सुश्री रोहिणी रानी जो जिनके पिता का नाम श्री प्रदीप कुमार सिंह है और इन्हें 463 अंक प्राप्त हुए हैं जो 92.6% और इनके साथ ही और इसके साथ ही दूसरे प्रथम स्थान पर एक संयुक्त टॉपर भी आ रहे हैं श्री मनीष कुमार, जिनके पिता का नाम श्री विनोद पासवान है और ये गया के विद्यार्थी हैं, इन्हें भी 463 मार्क्स के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। श्री रोहिणी रानी जिनके बारे में भी बताया गया आर्ट्स में जो टॉपर हैं, इनके पिता का नाम श्री प्रदीप कुमार सिंह है और ये सेंट टेरेसा गर्ल्स हाई स्कूल बेतिया के स्टूडेंट हैं और इन्हें 463 अंक प्राप्त हुए हैं जो 92.6% है। इसी प्रकार प्रथम स्थान पर संयुक्त रूप से मनीष कुमार हैं जो गया कॉलेज गया के स्टूडेंट हैं और इन्हें भी 92.6% अंक प्राप्त हुए हैं। इसके साथ द्वितीय स्थान पर 2 स्टूडेंट संयुक्त रूप से रहे हैं, पहले हैं विकास कुमार, पिता का नाम श्री विनोद यादव और ये 2 बैद्यनाथ हाई स्कूल वेस्ट चंपारण इत्यादि विद्यार्थी हैं और संयुक्त रूप से दूसरे कैंडिडेट हैं
मोहम्मद नूर आलम नहीं, दूसरे कैंडिडेट हैं महमूद जमा, पिता का नाम मोहम्मद नूर आलम, महमूद जमा ये महिला है। सेकंड स्थान पर रही है महमूद जमा, महिला है और इनके पिता का नाम है मोहम्मद नूर आलम और ये प्लस टू नेशनल एकेडमिक हाई स्कूल किशनगंज की छात्रा है और इन्हें 460 अंक प्राप्त हुए। और इसी प्रकार दो लोग संयुक्त रूप से रहे हैं, तृतीय स्थान पर भी दोनों संयुक्त रूप से हैं। पहली है सुश्री हर्षिता कुमारी, पिता श्री विनेश कुमार और ये सिमुतला आवासीय विद्यालय जमुई की छात्रा है। और इसी प्रकार तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से रहे हैं श्री निशिकांत कुमार झा, पिता श्री मनोज कुमार झा और ये भी सिमुतला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं। इन दोनों को 458 अंक प्राप्त हुए हैं और 458 अंकों के साथ ये संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे हैं। इसी के साथ वाणिज्य संकाय में जो पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहे हैं वे हैं श्री सत्यम कुमार, पिता का नाम श्री गौतम शाहीन और ये SKR कॉलेज बरबीघा शेखपुरा के छात्र हैं। बरबीघा SKR कॉलेज बरबीघा शेखपुरा के छात्र हैं श्री सत्यम कुमार, पिता श्री गौतम शाहीन। और द्वितीय स्थान पर रहे हैं श्री सोनू कुमार, पिता श्री सुरेश कुमार और ये कॉमर्स कॉलेज पटना के छात्र हैं। जो टॉपर है सत्यम कुमार, उन्हें 472 अंक मिले हैं जो कुल अंकों का 94.4%। और जो दूसरे स्थान पर रहे हैं श्री सोनू कुमार, पिता श्री सुरेश कुमार, ये कॉमर्स कॉलेज पटना के छात्र हैं और इन्हें 470 अंक प्राप्त हुए हैं जो कुल अंकों का 94% है और ये द्वितीय स्थान पर रहे हैं। इसी प्रकार तृतीय स्थान पर रही हैं श्रेया कुमारी, इनके पिता का नाम है नवकिशोर पांडे और ये प्लस टू स्टूडेंट बालिका उच्च विद्यालय बगहा की छात्रा है और इन्हें 469 अर्थात 93.8% अंक प्राप्त हुए। इस प्रकार जो अब तक पिछले कई वर्षों से बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों को अग्रतर उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन लेने में जो कठिनाइयां होती थी कम मार्क्स होने के कारण, जैसे मैंने बताया पिछले कई वर्षों, देखिए सभी पदाधिकारी कर्मचारी गण को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक रिकॉर्ड समय में इस बार रिजल्ट डिक्लेयर किया है, वे बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, सभी के लिए गौरव की बात है। उन्होंने जो भी सुधार किए हैं उसके चलते न केवल हमें कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा कराने सफल हुए हैं और इवेल्युएशन में भी काफी सुधार हुआ है। इस बार जो जिन टीचर्स को हमने इवेल्युएशन के लिए लगाया था उनकी स्पेशल ट्रेनिंग हमने ऑर्गेनाइज की थी और जिसके चलते इस बार इवेल्युएशन जो हुआ है उसमें एरर्स बहुत कम है। आपने देखा होगा पेंडिंग रिजल्ट 174 ही है और लास्ट टाइम आप, मुझे याद है कि आपके समय तो आपने पॉइंट रेज किया था कि बिहार के टॉपर्स को कम मार्क्स मिलते हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स हैं बहुत कम रहते हैं जिसके चलते राज्य के बाहर उनको एडमिशन लेने मुश्किल आती है, खासकर दिल्ली में जब मार्क्स बेस पे एडमिशन होती है। तो आपके सुझाव के मद्देनजर फिर हमने सुधार दिया कि हम भी मॉडरेशन पॉलिसी लागू करेंगे जिसके फलस्वरूप इस बार टॉपर्स के मार्क्स अच्छे आए और उनको दिल्ली या अन्य राज्यों में अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकेगा। और दूसरा है कि इवेल्युएशन में भी हमारी प्रॉब्लम ये समस्या थी कि बहुत टाइट हम इवेल्युएशन करते थे जिसके चलते हमारा पास परसेंटेज बहुत कम रहता था जबकि अन्य बोर्ड्स में पास परसेंटेज इतना कम कभी नहीं रहता था। इस बार उसमें भी सुधार किया गया है जिसके चलते हमारा पास परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा रहा है जबकि अन्य बोर्ड के कंपेरिजन के अनुरूप है। इसके अलावा जो अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि जो बच्चे फेल हो गए हैं, जो अवतीर्ण हो गए हैं, उनके लिए स्क्रूटनी का भी मौका उनको दिया जा रहा है और सप्लीमेंट्री एग्जाम भी हम अप्रैल माह के अंत में ऑर्गेनाइज करेंगे और मई माह में उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे ताकि वो जुलाई माह में जो नया सेशन शुरू होता है उसमें एडमिशन ले सके। इसलिए उनको भी सफर नहीं करना पड़ेगा। इस सारी उपलब्धि के लिए मैं बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष और यहाँ के कर्मचारियों का पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि लास्ट टाइम आपने जो हमें सुझाव दिए वही हमारे लिए मार्गदर्शन बने और उसके अनुरूप हमने काम किया और ये सारे सुधार संभव हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे उत्तीर्ण हो गए हैं और जिन्होंने इस एग्जाम में अच्छी पोजीशन हासिल की है उनके उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।